अब बात करते हैं दिल्ली में हुए प्रदर्शन की। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज दिल्ली की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है, तो वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला है। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो भ्रष्टाचार के पुरोधा बन गए हैं, एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती आई और आज उस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सारी ताकत लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 8 बैलेट पेपरों पर 8 वोट जो बैलेट पेपर पर डलते थे उस पर खुद ही निशान लगा लगा के उन वोटों को खारिज कर दिया। ये कैमरे पे सबके सामने, मगर बेशर्मी देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए, कह रहे हैं कि बीजेपी का मेयर बन गया।